आदरणीय डॉक्टर कमला जी छत्तीसगढ़ से पधारे हुए, आदरणीय मंत्री श्रीमान अमर अग्रवाल जी, मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से पधारे हुए सभी पतंगबाज भाइयों और बहनों, भारत के जीवन में त्योहारों का स्थान प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ है। आज विश्व जिस ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के सामर्थ्य को बड़ी भली भांति पहले से भांपा था, जाना था और उसको ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षा और संस्कार के लिए त्योहारों के माध्यम से एक व्यापक रूप से परंपरा को निभाया था। ये मकर संक्रमण का पर्व एक प्रकार से सूर्य उपासना का पर्व है, सूर्य शक्ति की आराधना का पर्व है और प्रकृति के साथ जीवन को कैसे ढालना चाहिए उसकी शिक्षा दीक्षा देने वाला ये पर्व है। भारत के सभी राज्यों में कश्मीर से कन्याकुमारी भिन्न भिन्न रूप से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा कि जहां ये पर्व मनाया न जाता हो। गुजरात में विशेष रूप से काइट फेस्टिवल के रूप में इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार दान पुण्य का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है और ये स्नेह और स्निग्धता का भी त्यौहार है। जहां महाराष्ट्र में कहा जाता है तिल गुड़ गेहा अणि गोड़ गोड़ बोला, ये महाराष्ट्र की परंपरा है। ये तिल और गुड़, इसका आहार भी स्नेह और स्निग्धता का परिचायक है और उस अर्थ में ये महोत्सव हिंदुस्तान के जन जन में व्याप्त एक प्रकृति प्रेम का प्रतिबिंब है। गुजरात ने इसको टूरिज्म के साथ जोड़ा है, गरीब परिवार को रोजी रोटी मिले, व्यवसाय बढ़े, उसकी ओर जोड़ा है और एक निर्दोष आनंद का माहौल सब दूर बने, इसमें एक काइट फेस्टिवल एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों से उसका एक रूप, उसका स्केल हमने बहुत बढ़ाया है। आज गुजरात के भिन्न भिन्न स्थानों पर भी धीरे धीरे उसको हम आगे ले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि विश्व में जिस प्रकार के फेस्टिवल की चर्चाएं होती हैं, इन दिनों हिंदुस्तान में जैसे कुंभ के मेले की विश्व रूप से चर्चा होती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे गुजरात के काइट फेस्टिवल ने भी विश्व के फेस्टिवल के मैप पर अपनी जगह बना ली है। वो दिन जरूर आएंगे जबकि दुनिया के लोग भारत यात्रा के समय हिंदुस्तान के काइट फेस्टिवल को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों की रचना करेंगे। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सूर्य की शक्ति की उपासना को राज्य के विकास के साथ भी जोड़ा है। आज पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस का माहौल है। गुजरात भाग्यवान है कि हमारे यहाँ सन पावर, सन रेडिएशन बहुत अच्छी मात्रा में होने के कारण हमने सूर्य शक्ति का, सोलार एनर्जी का दिशा में बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन होता हो तो गुजरात की धरती पर हो रहा है। ये सोलर एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात का पदार्पण ये इस पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली अनेक पीढ़ियों का भाग्य बदलने के लिए ये सोलर एनर्जी के हमारे इनिशिएटिव है। यहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने योग और आसन के कुछ कार्यक्रम निदर्शन किया। ये म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं,
बीपीएल परिवार से आने वाले बच्चे हैं, उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, जो डिसिप्लिन दिखाई, जिस प्रकार से सूर्य उपासना के कार्यक्रम दिखाए, भारत की उस महान विरासत योग को आपने सामने प्रस्तुत किया, मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन सभी झुग्गी झोंपड़ी से आए हुए बच्चों के कॉन्फिडेंस को देख करके उनके प्रति मैं बहुत ही आदर भाव व्यक्त करना चाहता हूं कि ये हमारी पूंजी है जो हमारे आने वाले गुजरात के निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। सामान्य परिवार के बच्चे भी, उनको अगर अवसर मिले, उनको अगर एक्सपोजर मिले, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ मंच पर भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, कुछ नृत्य नाच होने वाला है। ये बच्चे भी सभी झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं, वो प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, लेकिन उनको तैयार करना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और उनको भी मेनस्ट्रीम में ला करके विकास की यात्रा में हिस्सेदार बनाना, इसलिए गरीब परिवारों को जोड़ने का हमारा प्रयास इस हमारे फेस्टिवलों की विशेषता रहती है। आइए भाइयों बहनों, हम इस फेस्टिवल का मजा उठाएं। मैं सबको मकर संक्रमण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, देश भर के नागरिकों भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम भी जैसे आकाश में आसमान में ये पतंग जा रहा है, आपकी सपने भी नई नई ऊंचाइयों को पार करने वाले, नए नए संकल्पों को सिद्ध करने वाले बने, यही शुभकामनाओं के साथ महामहिम गवर्नर साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई आपका। आई नाउ इनवाइट हर एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात डॉक्टर श्रीमती कमला जी टू काइंडली एड्रेस द ऑगस्ट ऑडियंस। डॉक्टर श्रीमती कमला जी। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, सम्मानीय श्री जनारायण व्यास जी पर्यटन मंत्री महोदय, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री परिषद के सम्मानीय सभी सदस्यगण, अन्य सम्मानित महानुभाव, देश विदेश से पधारे हुए आमंत्रित विशेष अतिथिगण, विशेष तौर पर पतंगबाज पार्टियां, देवियों और सज्जनों, अहमदाबाद शहर के साबरमती रिवर फ्रंट पर आज 22वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित रहने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और जिन बच्चों ने इन सारे कार्यक्रमों में भाग लिया है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। कार्यक्रम बहुत विशाल, बहुत शानदार और बहुत ही प्रभावी रहा, और लोगों ने खूब इसको सराहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात में जो एक जागृति आई है और एक बहुत बड़ा माहौल बना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सभी सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, तुर्किस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, मलेशिया व अर्जेंटीना के पतंग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, और साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु से भी पतंग प्रेमी पधारे हैं। मैं उन सभी का गुजरात के इस पावन धरती पर स्वागत करती हूं। मकर संक्रांति पर्व गुजरात में विशेष रूप से अहमदाबाद में अपना अनूठा स्थान रखता है। प्रतिवर्ष गुजरात में पतंग उत्सव अदम्य उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वह सामाजिक जीवन में
एकता भ्रातृभाव और प्रतीक बना हुआ है। सही मायने में कहा जाए तो पतंग उत्सव गुजरात की गौरवमयी संस्कृति को उजागर करता है। रंग बिरंगी सुंदर मनमोहक और कलात्मक पतंगों को आकाश में उड़ते हुए देखना अपने आप में एक अनोखा नज़ारा है। यहाँ के नागरिक व देश विदेश से आए हुए मेहमान इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बराबर उत्सुक रहते हैं। पतंग बनाने से लेकर उसे आकाश में उड़ाने तक की कला के प्रदर्शन का ये अद्भुत नज़ारा है। पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा का सीधा निष्कर्ष पतंग उड़ाने का प्रेम है। उसी विचार से मनुष्य को युगों पूर्व अपने कल्पना शक्ति से पतंग की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसा माना जाता है कि पतंग अपने प्राचीन इतिहास में अनेक मान्यताओं और अनेकों प्रयोगों का सूत्रधार भी रहा है। अपने पंखों पर विजय और वर्चस्व को लेकर उड़ते पतंग ने अपने विभिन्न स्वरूपों में संसार को न केवल एक रोमांचक खेल का माध्यम प्रदान किया है बल्कि एक उत्कृष्ट अभिरुचि के रूप में ये विश्व की विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में रच बस गया है। विश्व में करीबन 2 दर्जन पतंग उत्सव होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनमें से 5 सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, जिसमें अहमदाबाद में मनाया जाता पतंग महोत्सव भी शामिल है। अन्य उत्सव जापान, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि पतंग महोत्सव केवल अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं रहा। इस वर्ष गत 7 जनवरी को मुंबई व दिल्ली में भी आयोजित किया गया। कच्छ जिले के धोरोड़ा स्थित श्वेत रण एवं मांडी बीच पर भी ये मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं गुजरात के सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देती हूँ और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनका व्यक्ति से लगाव इन सारे आयोजनों से जुड़ा रहता है और उसके कारण से ये सारा इतना शानदार, विशाल और आकर्षक उत्सव यहाँ पर आयोजित हो सका। सभी को नए साल की शुभकामनाएं, सभी को पतंग उत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।